महानगर को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गुरुवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में तुर्कमानपुर से राजघाट बर्फखाना तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया और सड़क के किनारे तथा नाली पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के अभियान को 25 अगस्त को आने वाले अटल कलश यात्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अतिक्रमण अभियान पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि क्षेत्र में गंदगी का अंबार है, सुअर बाड़ा को पहले हटाया जाए जिससे सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया। दो दिन विगत पहले सूचना आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इधर से दौरा है, उसके बाद यहाँ पे सफाई अभियान का रुझान दिखा, बहुत तेज़ दिखा। आज तक ये सफाई अभियान क्यों नहीं हुआ, मैं माननीय नगर आयुक्त महोदय से पूछना चाहता हूँ। फिर जाने के बाद फिर वही दशा होगा। अब मैं चाहता हूँ बेहतर से बेहतर, सभी कब्रिस्तान की सारी गंदगी यहाँ पे है, जो नगर आयुक्त महोदय उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। अवैध कब्जा है, नगर आयुक्त महोदय उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। मोहम्मद समीर खान, और यहाँ पे कब्रिस्तान पे बहुत पुराना अवैध कब्जा है, इसको सरकार की तरफ से कुछ नहीं कराया जाता है। आज योगी जी इधर से आने वाले हैं 25 तारीख को, इसको देखते हुए जो है ये लोग जल्दी जल्दी खाली करवा रहे हैं और तमाम अपनी कमजोरी को छुपा रहे हैं। इसको कायदे से कब्रिस्तान को इनको हटवाना चाहिए। यहाँ सफाई की बात करते हैं, यहाँ पूरा पिक पालन हो रहा है, उससे सबसे ज़्यादा गंदगी होती है, सबसे ज़्यादा बीमारी होती है, उसको हटाने का ज़रा सा भी वो नहीं कर रहे हैं, जरा सा कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बस दो दिन के लिए बाड़ा बंद करवा दिया जाएगा कि जानवर ना निकले। इनको कायदे से घर देना चाहिए, इनको कायदे से रहने की व्यवस्था देना चाहिए, इस चीज़ को नहीं करवा रहे हैं। और बस 25 तारीख तक सब ढकने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी जाके कोई भी देख सकता है, यहाँ पे पूरा खुला जो है, यहाँ पे एकदम गंदगी फैली हुई है। इस चीज़ को हमारी मांग है कि जो है जल्द से जल्द जो है इसको साफ करवाया जाए, ये देखते हुए नहीं कि योगी जी यहाँ से आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कलश यात्रा के दौरान, भविष्य में भी यहाँ पे सफाई रहे, यहाँ के लोगों को सफाई मिले, तमाम तरह की बीमारियों से निजात मिले, यहाँ पे पिक पालन ये पालन इसको किनारे करा जाए शहर से, इन लोग के रहने की जगह दी जाए, बस यही हमारी मांग है। ये ना हो कि मुख्यमंत्री जब आ रहे हैं, कोई मंत्री आ रहा है या कोई अधिकारी आता है तो इनको खाली कराया जाता है, फिर चार दिन बाद यही लोग आते हैं, यही लोग उसको शह देके फिर यही लोग आगे बढ़वाते हैं। अवैध कब्जा कर रखा है, वो अवैध कब्जा हटाया जा रहा है,
ये बंदे से शहर के अंदर घुसने वाला एक प्रमुख मार्ग है। दोनों तरफ जो है जो तो वहाँ पे इसको अवैध कब्जे हटवा करके रास्ते को सुगम चलने योग्य बनवाया जा रहा है। पूरा यहाँ से ये जो है गोलघर तक जाएगा। नहीं, यात्रा भी है और साथ ही साथ जो है जो रूटीन में कब्जे किए गए हैं इनको भी हटवाया जा रहा है। तो दोनों ही काम है, दोनों ही एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, क्योंकि तो यात्रा की वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगी इन मार्गों पे और लोगों ने बहुत कब्जा कर रखा है। तो जो अवैध कब्जा है वो उसको चिन्हित करके हटवा दिया जा रहा है।